रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। हम आज थर्सडे 24 दिसंबर 2020, गुरुवार 24 दिसंबर 2020, आज हम देखेंगे पास्टर क्रिस ओयाखिलो में जो हमको आज सिखाने के लिए वचन दिए है, वो है जॉन 14:8-9। इसमें से हमको सिखाया जा रहा है, आज का विषय है सेलिब्रेटिंग द लिविंग एंड इनकार्नेट वर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार 14:8-9 में से हमको आज ये विषय सिखाया जा रहा है, गुरुवार 24 दिसंबर 2020, 24 दिसंबर 2020 थर्सडे। आज हमको सेलिब्रेटिंग द लिविंग एंड इनकार्नेट वर्ड ये सिखाया जा रहा है, उत्सव मनाना जीवित और कभी ना मरने वाला वचन, अविनाशी वचन। जीवित और अविनाशी देहधारी, अविनाशी और देहधारी ऐसा वचन, जीवित और देहधारी। इनकार्नेट का मतलब है देहधारी, ठीक है। तो जीवित और देहधारी वचन को उत्सव मनाना, जॉन 14:8-9 यहाँ पर दिया हुआ वचन है, ही दैट हैथ सीन मी हैथ सीन द फादर, एंड हाउ सेयेस्ट दाउ देन शिव अस द फादर। तो यहाँ पर ये वचन इस प्रकार से है, यूहन्ना का 14:8-9, यूहन्ना 14:8-9। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हम और एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:8-9। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? Even though Christmas, which is the celebration of the birth of Jesus, is inarguably the most popular holiday in the world, there are still many who don't know who Jesus really is. जबकि ये बड़ा दिन जो क्रिसमस जिसे कहा जाता है, वह एक बहुत ही बड़े मात्रा में उत्सव मनाने वाला यह यीशु मसीह के जन्म की बात है, और बहुत ही अद्भुत तरीके से वह प्रचलित है एक छुट्टी के तौर में जगत के अंदर, परंतु फिर भी अभी तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यीशु कौन है यह सच में पता नहीं है। तो सम ही इज़ अ ग्रेट रिलीजियस लीडर, कुछ लोगों के लिए वह एक बहुत बड़ा धर्मी नेता सा है, बट जीसस इज नॉट अ म्योर रिलीजियस लीडर और रिफॉर्मिस्ट, परंतु यीशु मसीह कोई एक बड़ा सा धर्म का नेता नहीं है और ना ही वह धर्म का युद्ध करने वाला कोई। He is himself God. वह अपने ही आप में परमेश्वर है। You have to study the word of God to discover this. आपको यह जानने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के अंदर से,
तो आप इस बात को पहचान पाओगे। In John 5:39, Jesus said, "Search the Scripture, for they testify of me." और यह वचन ऐसा है, यूहन्ना के सुसमाचार 5:39 में यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 5:39 तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। देखिए और एक बार पढ़ेंगे, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। The scripture testify of Jesus as deity. यह वचन खुद गवाही देता है कि यीशु ईश्वरीय है। John 1:1 says, "In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God." Verse 14 says, "And the word was made become flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." यूहन्ना के पहले अध्याय पहले वचन में यह ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 वचन में ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और एक बार पढ़ेंगे फिर, 14 वचन में ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने जैसी पिता के इकलौते की महिमा। This refers to Jesus. So in celebrating Christmas, you are celebrating the living and incarnate word. और यह दर्शाता है यीशु को। तो जब आप बड़ा दिन या मसीह का जन्मदिन क्रिसमस मनाते हो, तब आप यह मना रहे होते हो जो जीवित और देहधारी वचन है, उसको आप मना रहे होते हो। स्टडी द बाइबल फॉर योर सेल्फ फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन एंड यू विल कम टू वन कंक्लूशन, जीसस क्राइस्ट इज गॉड। आपने पवित्र बाइबल को बड़े तरीके से अभ्यास करना चाहिए, अपने लिए ही करना है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और आपको एक आखिरी समय ऐसा आप मकसद उठा लेंगे यीशु मसीह के बारे में कि वह परमेश्वर है। आप इस बात पर आकर रुक जाएंगे। रिकॉल हिज वर्ड्स इन John 10:30। आप याद कीजिए उसके शब्दों को जो उसने यूहन्ना के 10:30 में बोला है। John 10:30, "I and my Father are one." स्मरण कीजिए इस वचन को जो यीशु मसीह ने कहा था, 10 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में 30 वचन, "मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है." In our opening verse,
He said, if you have seen me, you have seen the Father. जो हमने शुरुआती वचन पढ़ा उसके अंदर हमने देख लिया, उसने क्या कहा कि अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देख लिया है. He is one with the Father. वो पिता के साथ एक है. You have got to come to that point in your life where you recognize that Jesus is the fullness of deity. आपको उस जगह तक पहुंचना है सोचों के समझ के द्वारा कि जो जगह में आपको ये पूरा विश्वास हो जाए कि आपके जीवन में आपको कोई संदेह नहीं रहेगा इस बात को पहचानने के लिए कि यीशु मसीह संपूर्ण ईश्वर है, परमेश्वर है. The Bible declares that the fullness of the Godhead dwells in him bodily. Colossians 1:19 or 2nd chapter 9 verse. पवित्र बाइबल यह बता देता है, घोषित कर देता है कि परमेश्वर का जो संपूर्णता है वह शरीर में पाया गया है. ये बात हम कुलोसियों की पत्री 1:19 में पढ़ते हैं और 2:9 में भी हम उसे पढ़ेंगे हिंदी में. कोलोशियंस 1:19 ऐसा कहता है हिंदी में, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी संपूर्णता वास करे. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे. और 2:9 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी संपूर्णता सदैव वास करती है. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है. He is the complete embodiment. This is the Christ of Christmas. We are celebrating God who came to us in the body of Jesus. Hallelujah. तो इस प्रकार से वह संपूर्ण ईश्वरीयता है और सदैव में वह ईश्वर है. तो इसकी वजह से क्रिसमस जब हम बोलते हैं तो वह मसीह के साथ होना चाहिए, यानी हम जो मनाते हैं वो परमेश्वर को मना रहे हैं, यानी हम परमेश्वर का उत्सव मना रहे हैं, मसीह का उत्सव मना रहे हैं, जिसने शरीर में देहधारी होकर आया और उसका नाम यीशु था. और ये प्रकार से हमने उसको मनाना है. क्राइस्ट मास मतलब मसीही का हम उत्सव मना रहे हैं. परमेश्वर जो शरीर यानी जो देहधारी हुआ यीशु में, हम उसको मनाते हैं. मसीह परमेश्वर है जो परमेश्वर देहधारी हुआ, जिसका नाम यीशु है, उसको हम मना रहे हैं. ये मतलब बनता है क्रिसमस का. तो हमारे इस उत्सव के बीच में हमको ये समझना है कि हम किसको मना रहे हैं. हम परमेश्वर को, खुद परमेश्वर को मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, जो देहधारी हुआ यीशु में. हालेलुया. अब हम कबूली करेंगे, अंगीकार करेंगे. हमने मुंह से अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है, आवाज़ से अंगीकार करना है. डियर फादर, अगर आप इंग्लिश में इसे अंगीकार करना चाहते हैं आप इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना है आपने हिंदी में करना है, लेकिन आप अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है. आप जो पसंद है भाषा उसमें अंगीकार करो, लेकिन अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है.